हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी असाइनमेंट लेक्चर 2 है फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन। अगर आपने असाइनमेंट लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है गाइस, लेट मी रीड द क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू ब्लॉक्स ऑफ इक्वल मास एम ईच आर कनेक्टेड बाय द टू एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ मासलेस पुली। ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रिंग देयर इज अ बीड ऑफ मास एम बाय 2। सब क्वेश्चन ए, व्हेन द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट द बीड कंटिन्यूज टू रिमेन एट रेस्ट व्हाइल द टू ब्लॉक्स एक्सेलरेट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सब क्वेश्चन बी, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स इफ इट वॉज ऑब्जर्व दैट द बीड वॉज स्लाइडिंग डाउन विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिलेटेड टू द स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर हमें दो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। सो सबसे पहले बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट सब क्वेश्चन। सो फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन एफबीडी बना देंगे हम, जैसे कि दिस इज अ ब्लॉक, दिस वन हुज मास इज एम, तो इसका खुद का वेट हो जाएगा, दैट इज एम जी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, बिकॉज राइट साइड पे मास ज़्यादा है तो ये साइड नीचे जाएगा, ये साइड ऊपर जाएगा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द बीड, दिस इज अ बीड, इस बीड के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है, एक तो टेंशन टी इन द अपर डायरेक्शन है ना, ये वाली स्ट्रिंग, और दूसरी ये वाली स्ट्रिंग इसको टेंशन दे रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट्स से दिस टेंशन इज टी डैश, ऑब्वियसली टेंशन अलग होगा। ठीक है, नाउ इफ यू विल सी, इसका खुद का जो वेट होगा दैट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज एम जी वाई टू। ठीक है, वेट अलग हो गया इसका एम जी वाई टू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फॉर दिस ब्लॉक, ब्लॉक नंबर सेकेंड ब्लॉक हुज वेट इज एम जी और टेंशन कितनी है टी डैश इन द अपवर डायरेक्शन एंड दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ए, क्योंकि हमें बोला गया है बीड रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली बीड के ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ लगाना है और कुछ नहीं करना है। सो टी माइनस एम जी विच इज इक्वल्स टू एम ए, सो टी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। क्लियर, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिला, जब यहाँ से देखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा एम जी माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू एम ए, सो दैटफोर टी डैश इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ए, करेक्ट है ना। और जब आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर से क्या रिलेशन आएगा, क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स टी है, डाउनवर्ड फोर्स हो गया टी डैश प्लस एम जी बाई टू, टी की वैल्यू पुट करो दैट इज एम जी प्लस एम ए, टी डैश की वैल्यू पुट करो दैट इज एम जी माइनस एम ए प्लस एम जी बाई टू, ये वाला पार्ट। सो इफ यू विल सी एम कॉमन लेके आप कट कर सकते हो तो ये हो गया जी प्लस ए इज इक्वल्स टू जी माइनस ए प्लस जी बाई टू, जी एंड जी गेट कैंसिल, माइनस ए को लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो टू ए हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू जी बाई टू, तो जी ए का वैल्यू हो गया जी बाई फोर, तो ये एक्सेलरेशन होगी। सो दिस इज द फर्स्ट सब क्वेश्चन। नेक्स्ट वी विल मूव टू द सेकेंड सब क्वेश्चन। सेकेंड सब क्वेश्चन में बोला है दैट बीड इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी रिलेटेड टू द स्ट्रिंग है ना। सो जैसे कि यहाँ पर देखोगे ए बीड इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी विद रिलेटेड टू द स्ट्रिंग, सो आई विल राइट डाउन वेलोसिटी ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जीरो। इफ वेलोसिटी ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज जीरो, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जीरो ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट हैंड साइड तो जीरो ही रहेगा, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी हमें क्या पता चलता है एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू जीरो, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन ऑफ बीड विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग हमें पता है एक्सेलरेशन ऑफ बीड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग विच इज इक्वल्स टू जीरो, सो देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ बीड इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो बीड की एक्सेलरेशन होगी वही स्ट्रिंग की एक्सेलरेशन होगी है ना। तो मतलब अभी सेकेंड सिनारियो में एम बीड और इस एम तीनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो अभी यहाँ पर जब आप बीड को देखोगे ये दोनों तो वैसे के वैसे रह गए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीड की अभी एक्सेलरेशन ए लगा देंगे हम, बीड के पास भी अभी एक्सेलरेशन ए है फॉर द सेकेंड सब क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स टेक आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, चलो चेक करते हैं। जैसे कि इस केस में अगर एफ बी डी लगा दोगे तो ये क्या हो जाएगा एम जी बाई टू प्लस टी डैश माइनस टी विच इज इक्वल्स टू एम बाई टू ए, ठीक है एम बाई टू ए हो जाएगा करेक्ट, उसकी मास कितनी है एम बाई टू, टी डैश की वैल्यू पुट करो, टी डैश की वैल्यू क्या है एम जी प्लस एम ए,
सो हो जाएगा एम जी बाई टू, टी डैश की वैल्यू है सॉरी टी डैश की वैल्यू है एम जी माइनस एम ए, सो एम जी माइनस एम ए, टी की वैल्यू कितनी है एम जी प्लस एम ए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम जी प्लस एम ए और ब्रैकेट क्लोज, विच इज़ इक्वल्स टू एम ए बाई टू। या तो जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे एम जी माइनस एम जी गेट कैंसल आउट, माइनस एम ए माइनस प्लस बिकम माइनस, सो माइनस एम ए बिकम्स माइनस टू एम ए, और यहाँ पर हो गया हमारे पास एम जी बाई टू विच इज़ इक्वल्स टू एम ए बाई टू, है ना। सबसे पहले एम कैंसिल कर दो, प्रॉब्लम देगा, सो दैट फॉर आई विल राइट डाउन जी बाई टू इज इक्वल्स टू ए बाई टू प्लस टू ए, टेकिंग एलसीएम टू टू ज़ा फोर ए, फोर ए प्लस ए कितना हो गया फाइव ए बाई टू, तो यहाँ पर क्या आ रहा है जी बाई टू इज इक्वल्स टू फाइव ए बाई टू, टू एंड टू गेट कैंसिल, तो ए का वैल्यू कितना मिला हमें जी बाई फाइव, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए, सो प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let me read the question. Yeah. So question is, two blocks of mass 5 kg and 2 kg are initially at rest on the floor. They are connected by a light string passing over a light frictionless pulley. An upward force F is applied on the pulley and maintained at a constant value. Calculate the acceleration A1 and A2 of 5 kg and 2 kg respectively when F is 30 newton, 60 newton and 140 newton. So hume tino cases mein find out karna hai what is the acceleration A1 and A2. Okay. तो ये चीज़ तो समझ में आती है क्लास। नाउ इफ़ यू विल लुक इनटू द डायग्राम, ये एफ फोर्स लगाने की वजह से इस स्ट्रिंग पर टेंशन सेटअप हो गई, लेट्स से दिस टेंशन टी एंड दिस टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन है ठीक है, और यही टेंशन इस ब्लॉक को लिफ्ट करने में रिस्पॉन्सिबल है, इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टेंशन। तो वी नो दैट इफ दिस इज़ अ मासलेस पुली, तो नेट फोर्स तो जीरो होगी, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर पुली का मास है ही नहीं तो मास जीरो है तो नेट फोर्स भी कितना हो गया जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से इस पुली पे क्या हो जाएगा, दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, तो अपवर्ड फोर्स क्या है एफ है और डाउनवर्ड फोर्स में क्या है एफ इज इक्वल्स टू टी प्लस टी दैट इज टू टी, दिस इज योर डाउनवर्ड फोर्स करेक्ट, सो एफ इज इक्वल्स टू टू टी, ये हमारी इक्वेशन बैटरी है, सही बैटरी है ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग फर्स्ट केस के लिए देखेंगे तो फर्स्ट केस में एफ का वैल्यू कितना है 30 न्यूटन, F का वैल्यू अगर 30 न्यूटन है तो T का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज़ F बाई टू मतलब 30 अपॉन टू विच इज इक्वल्स टू 15 न्यूटन, तो T का वैल्यू कितना हो गया 15 न्यूटन। इफ वी लुक टू द 5 kg ब्लॉक पे 15 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन T इज 15 न्यूटन इन द अपवर्ड डायरेक्शन करेक्ट। इफ वी लुक टू द 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक में 20 न्यूटन इसका वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और यहाँ पर कितना मिल रहा है टेंशन कितना है इसके पास 15 न्यूटन ठीक है। ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन भी अप्लाई करेगा बट नॉर्मल रिएक्शन अभी बनाने की ज़रूरत नहीं हमें, चलो दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये N1 नॉर्मल रिएक्शन और ये N2 नॉर्मल रिएक्शन ठीक है। नाउ क्लास इफ़ यू विल सी लिसन इट वेरी केयरफुली, जब मैं इसको अपवर्ड फोर्स दूंगा 15 न्यूटन जबकि इसका वेट कितना है 20 न्यूटन, इसकी वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स अप्लाइड। अगर वेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स अप्लाइड मतलब ये ब्लॉक मूव ही नहीं करेगा करेक्ट, क्योंकि अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए उसको लिफ्ट करने के लिए, तो अपवर्ड फोर्स लेकिन उतना ज़्यादा है नहीं तो ये ब्लॉक क्या करेगा मूव नहीं करेगा है ना, तो ये ब्लॉक वहीं पे रहेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 15 न्यूटन इसकी वेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और 15 न्यूटन इज़ द फोर्स अप्लाइड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये भी ब्लॉक मूव नहीं करेगा क्योंकि जो फोर्स अप्लाई हो रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट फोर्स इज़ नॉट इनफ टू लिफ्ट द ब्लॉक, that force is not enough to lift the block. So in this scenario, acceleration of 5 kg block as well as acceleration of 2 kg block is zero. So acceleration dono ka kitna aa gaya zero aa gaya, koi acceleration nahi hogi. Next we'll talk about the b part mein force kitna apply kiya gaya 16 newton jiski wajah se tension jo hai wo kitna hota hai f by 2 hota hai matlab 60 by 2 which is equals to 30 newton. To abhi jab aap diagram dekhoge, सो वैन यू लुक द डायग्राम, इसका खुद का वेट दैट इज़ 15 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपवर्ड फोर्स जो लग रही है वो 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है। यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसका खुद का वेट 20 न्यूटन और जब अपवर्ड फोर्स देखोगे तो 30 न्यूटन। तो जब मैंने ऊपर की तरफ 30 न्यूटन का फोर्स दे दिया तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक लिफ्ट कर जाएगा, तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी ए, चलो इसको A2 बोल देते हैं, एक्सेलरेशन A2। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो 30 न्यूटन इज़ लेस देन द 15 न्यूटन, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक लिफ्ट नहीं करेगा, ये ब्लॉक वहीं पे रहेगा, ये ब्लॉक ऊपर नहीं आएगा, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। अगर ये ब्लॉक ऊपर नहीं आ रहा है मतलब ये जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड रहेगा तो ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज N1। यहाँ पर कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये ब्लॉक ऊपर लिफ्ट कर चुका है ठीक है, मतलब ग्राउंड से उसका कॉन्टैक्ट टूट गया है।
तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे नेट फोर्स लगा देंगे न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से, सो 30 - 20 विच इज़ इक्वल्स टू, इसका मास कितना था हमारे पास 2 kg, सो 2 × a2, तो 30 - 20 कम्स आउट टू बी 10 विच इज़ इक्वल्स टू 2 a2, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5 m/s², ठीक है। सो दैट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड ब्लॉक। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, सी पार्ट, जहाँ पर हमने फोर्स कितना अप्लाई किया गया है 140 newton, जिसकी वजह से टेंशन कितना हो जाएगा F/2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो फोर्स कितना है 140 और अपॉन टू करोगे तो 70 newton हो जाएगा टेंशन। तो 70 newton, नाउ 70 newton इज रिस्पॉन्सिबल टू लिफ्ट बोथ द ब्लॉक। 5 kg का वेट कितना था 50 newton, 70 newton जब आपने ऊपर की तरफ अप्लाई किया तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन a1, ठीक है। और यहाँ पर जब आप देखोगे 2 kg का ब्लॉक, दिस इज 20 newton का फोर्स, ओके, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है 70 newton, तो ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा विथ एन एक्सेलरेशन a2। नेट फोर्स लगा दो यहाँ पर, तो नेट फोर्स जब आप लगाओगे तो 70 - 50 विच इज़ इक्वल्स टू मास कितना है 5, एक्सेलरेशन कितनी है a1, 70 - 50 कितना हो गया 20 विच इज इक्वल्स टू 5 a1, तो a1 का वैल्यू हो गया 4 m/s². फॉर द सेकेंड सिनारियो नेट फोर्स हो जाएगा 70 - 20 विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितनी है 2 है, एक्सेलरेशन कितनी है a2 है, 70 - 20 कितना हो गया 50 विच इज इक्वल्स टू 2 a2, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 m/s². क्लियर, तो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन था, तो आई होप यू गॉट दिस पार्ट, प्लीज कॉपी डाउन दिस, देन विल टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी ओपन द क्वेश्चन। या इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर m1 इज इक्वल्स टू 1 kg, m2 इज इक्वल्स टू 2 kg, पुलीज आर मासलेस एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट, फॉर वॉट वैल्यू ऑफ m द मास m1 मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। हमें फाइंड आउट करना है m की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वजह से स्मॉल m1 वाला जो मास है, ये ब्लॉक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो क्लास हमें पता है अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0, इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी इसमें। तो जब आप ब्लॉक 1 की FBD देखोगे, सो दिस इज़ ब्लॉक 1, सो इसकी जब FBD देखोगे इसका मास कितना है 1 kg, तो नीचे का जो फोर्स होगा वेट 10 newton, टेंशन कितना होगा दिस इज़ T। सो अगर एक्सेलरेशन इसकी 0 है, ठीक है, एक्सेलरेशन कितनी है इसकी 0 m/s², तो हमें पता है नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, देयरफॉर T इज इक्वल टू 10 newton, चलो टेंशन आ गया। तो इससे समझ में आता है कि ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना है T है, ये स्ट्रिंग में टेंशन T है, यहाँ पर इस पुली में टेंशन T, यहाँ पर T' ले लेते हैं। तो T' और T के बीच में हमें रिलेशन पता है, क्योंकि ये मासलेस पुली होगा तो रिलेशन क्या होगा, दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स 0 हो जाएगी। नेट फोर्स क्यों 0 हो रही है, नेट फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, इस पुली के पास कोई भी मास नहीं है तो नेट फोर्स 0 हो गया। नेट फोर्स 0 होने की वजह से अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। चलो नाउ यहाँ पर T' लग रहा है, तो यही T' रिस्पॉन्सिबल है इसको मूव करवाने के लिए। तो इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन आ जाएगा a1 ले लेते, चलो a1। सो T' इज इक्वल्स टू मास दैट इज m, एक्सेलरेशन दैट इज a1। तो a1 का जो भी वैल्यू होगा, a1 इज इक्वल्स टू T' / m, वॉट इज द वैल्यू ऑफ T' 2T / m, वॉट इज द वैल्यू ऑफ T 10 newton, मास कितना है नहीं पता, यही तो पता करना है। सो ये हो जाएगा 20/m, सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a1। तो a1 का वैल्यू आ गया हम लोग को 20/m, परफेक्ट, फैंटास्टिक। अभी हम बात करेंगे सेकेंड ब्लॉक की, तो सेकेंड ब्लॉक m2 जिसका मास है, तो वेट कितना हो जाएगा 2 × g, दैट इज़ 20 newton, और ऊपर जो टेंशन लग रहा है दैट इज़ T, ठीक है। एंड सपोज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन a2, तो यहाँ पर क्या हो गया 20 - T विच इज़ इक्वल्स टू मास कितना है इसका 2, एंड एक्सेलरेशन इज a2, सो देयरफॉर जो T का वैल्यू क्या है, T का वैल्यू 10 newton है, पुट करो, सो 20 - 10 विच इज इक्वल्स टू 2 a2, 20 - 10 कम्स आउट टू बी 10 विच इज इक्वल्स टू 2 a2, तो a2 का वैल्यू आ रहा है हमें 5 m/s², ठीक है। नाउ क्लास लिसन केयरफुली, इफ दिस ब्लॉक इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन a1, तो ये जो स्ट्रिंग है, देखो ये स्ट्रिंग किससे कनेक्टेड है, पुली से कनेक्टेड है, तो पुली की जो एक्सेलरेशन होगी वो भी क्या होगी, a1 होगी, है ना। पुली की एक्सेलरेशन क्या होगी, a1 होगी। जैसे कि हमें पता है ये वाली जो स्ट्रिंग है ये नीचे की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर कितनी एक्सेलरेशन से आ रही है, a2 की एक्सेलरेशन से आ रही है, और यहाँ पर तो एक्सेलरेशन 0 है। तो हमें पता है इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मूवेबल पुली, कॉन्स्टेंट रिलेशन लगानी पड़ेगी,
जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा दैट ए वन का वैल्यू इज़ वॉट ए टू प्लस जीरो अपॉन टू, ए टू प्लस जीरो अपॉन टू, सो दैट फोर ए वन का वैल्यू क्या हो जाएगा ए टू अपॉन टू, करेक्ट. वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ ए टू, इट्स फाइव, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फाइव अपॉन टू, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ ए वन. तो चलो ए वन का वैल्यू भी आ गया हम लोग को, दैट इज़ फाइव बाई टू. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए वन इन दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ए वन का वैल्यू है फाइव बाई टू विच इज़ इक्वल्स टू ट्वेंटी बाई एम, फाइव वन ज़ा फाइव फोर ज़ा, तो एम का वैल्यू कितना हो गया फोर टू ज़ा कितना हो गया एट के जी, सो दिस इज़ द मास एट के जी वी हैव. क्लियर? ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी रीड द क्वेश्चन फॉर यू. सो क्वेश्चन इज, पुली शोन इन द सिस्टम आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, थ्रेड्स आर इनएक्सटेंसिबल, द मास ऑफ ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर 2 kg, 4 kg एंड 2.75 kg रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द एसोलेशन ऑफ ईच ब्लॉक. ओके वी नीड टू फाइंड आउट वॉट इज द एसोलेशन ऑफ ईच ब्लॉक. एसोलेशन ऑफ ब्लॉक ए, एसोलेशन ऑफ ब्लॉक बी एंड एसोलेशन ऑफ द ब्लॉक सी इज द सिस्टम इज रिलीज्ड. ओके सो लेट्स कैलकुलेट दिस पार्ट. हम लोग अज्यूम करते हैं कि दैट एसोलेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ए. ब्लॉक ए ए एसोलेशन के साथ नीचे जाएगा, ऐसा अजम्पशन कर रहे हैं हम. ब्लॉक सी भी ए, लेट्स टेक इट आउट, एसोलेशन सी, ब्लॉक सी सी एसोलेशन के साथ नीचे जाएगा, और ब्लॉक बी हम लोग मान के चलते कि बी एसोलेशन के साथ ऊपर आएगा. दिस इज द अजम्पशन, ठीक है. आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है. तो जब यहाँ पर सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज़ द कांस्टेंट रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, ए बी और सी के बीच में कांस्टेंट रिलेशन क्या है. एज वी नो दैट इफ़ दिस ब्लॉक इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एसोलेशन ए, तो यहाँ पर हम लोग पुली पे क्या दिखा देंगे कि ये स्ट्रिंग नीचे की तरफ जा रही है विथ एन एसोलेशन ए. ये वाली स्ट्रिंग, इफ दिस स्ट्रिंग इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एसोलेशन ए, तो ऑब्वियसली ये भी स्ट्रिंग क्या करेगा, एसोलेशन ए के साथ ऊपर आएगा. क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड पुली है. ओके फिक्स्ड पुली में हमें पता है जितनी एसोलेशन लेफ्ट साइड में होगी उतनी ही एसोलेशन राइट साइड होगी, बट डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होगी, ठीक है. सो यहाँ पर समझ में आता है कि ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ए एसोलेशन के साथ ऊपर जा रही है, तो मैं यहाँ पर इंडिकेट करूँगा कि ये ए एसोलेशन के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है. अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि ये वाला जो ब्लॉक है ये बी एसोलेशन के साथ ऊपर आ रहा है, जो पुली के साथ एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड है. इफ़ दिस ब्लॉक इज मूविंग अपवर्ड विद द एसोलेशन बी, तो ऑब्वियसली पुली भी बी एसोलेशन के साथ ऊपर आ रहा है, तभी ही ये ब्लॉक बी एसोलेशन के साथ ऊपर आएगा, करेक्ट. ओके फाइन. अभी यहाँ पर हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर ये वाली स्ट्रिंग की जो एसोलेशन होगी, लेट्स से दिस स्ट्रिंग की एसोलेशन इज AP1 ले लिया. सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP1 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी. सो वी नो दैट द एसोलेशन ऑफ पुली इज नथिंग बट A plus AP1 अपॉन टू, सो दैटफोर इट कम्स आउट टू बी 2B इज इक्वल्स टू A plus AP1. So therefore AP1 comes out to be 2B minus A. तो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है. एंड दिस स्ट्रिंग इज कनेक्टेड विथ दिस पुली, तो ऑब्वियसली ये पुली भी क्या करेगा, AP1 के साथ ऊपर आएगा. इफ़ यू विल सी दिस पुली, ये एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कोई भी एसोलेशन नहीं होगी, जीरो, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट. और यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करते हैं, सी दिस ब्लॉक इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एसोलेशन सी, दिस ब्लॉक इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ एन एसोलेशन सी, तो यहाँ पर जब आप देखोगे यहाँ पर एसोलेशन ए सी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज ये जो ब्लॉक इज सी एसोलेशन, अच्छा सी एसोलेशन दिया है मैंने, तो ये जो ब्लॉक है सी एसोलेशन के साथ नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाली जो स्ट्रिंग है सी एसोलेशन के साथ नीचे जा रही होगी. इफ दिस स्ट्रिंग इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सी एसोलेशन, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो ये सी एसोलेशन के साथ ऊपर आ रहा होगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड पुली. सो इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिलेशन, तो इस पुली के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट दिस पुली इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन विद एन एसोलेशन AP1, सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन दैट एसोलेशन ऑफ द पुली इज नथिंग बट 0 + C. सो 0 + C/2, करेक्ट. तो AP1 का वैल्यू कितना है, AP1 का वैल्यू है 2B - A विच इज़ इक्वल्स टू C/2. 2 को यहाँ पर भेज दो, 2 × 4B - 2A विच इज़ इक्वल्स टू C. सो ये वैल्यू आ रहा है हमें C का. सो दिस इज़ द कॉन्स्टेंट रिलेशन वी है. तो ये कॉन्स्टेंट रिलेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ, जो हमें काम आने वाला है 4B - 2A, ठीक है. ये कॉन्स्टेंट रिलेशन को मैंने ऊपर लिख दिया. लेट मी रब दिस पार्ट, अभी हमें इसका ज़रूरत नहीं है. ओके
नाउ वी विल मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम. एज वी नो दैट ए का मास कितना है m1, तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसका वेट जो है m1g, और यहाँ पर क्या लग जाएगा, टेंशन लग जाएगा t. इफ़ यहाँ पर टेंशन t है तो आप देखोगे ये पूरे स्ट्रिंग में टेंशन t होगा, करेक्ट. ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, t होगा. तो हमें समझ में आता है कि इस पुली पे टेंशन t इन द अपर डायरेक्शन, और इस पुली में भी टेंशन t इन द अपर डायरेक्शन, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे दैट दिस इज़ द टेंशन t1, ठीक है. सो इफ़ दिस इज़ अ मासलेस पुली, तो हमें पता है मासलेस पुली तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा. नेट फोर्स जीरो होने की वजह से वी नो दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. तो अपवर्ड फोर्स में कौन है, टी प्लस टी विच इज इक्वल्स टू टी वन. सो आई विल राइट डाउन 2t इज इक्वल्स टू t1. तो ये एक रिलेशन मिला, इसको साइड में रखते हैं, ठीक है. अब जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये टी है, तो इस पुली की अगर मैं बात करूँगा, सो टी टेंशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, लेट्स से दिस इज टी टू. तो दिस इज ऑल्सो मासलेस पुली. इफ ना मासलेस पुली नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड फोर्स क्या है, t2 प्लस t2 विच इज इक्वल टू t. सो वी कम्स टू नो दैट 2t2 इज इक्वल टू t, करेक्ट. तो ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, t2. तो ये ब्लॉक c को कितना टेंशन फील हो रहा है, t2 टेंशन फील हो रहा है, ठीक है. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t1 को t में निकाल दिया, वैसे ही t2 को भी t के टर्म्स में निकाल देंगे, तो t/2. चलो सब कुछ क्लियर. अभी न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे, न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पर न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, व्हाट इज द नेट फोर्स. अच्छा यहाँ पर इन ये जो B है इसके ऊपर टेंशन T1 फील हो रहा है, इसका खुद का वेट दैट इज़ m2g, और यहाँ पर इसके पास टेंशन T2 और इसका खुद का वेट दैट इज़ m3g. तो यहाँ पर न्यूटन्स की लॉ लगा देंगे. सो आई विल राइट डाउन m1g - t विच इज़ इक्वल्स टू m1a. सो m1g - t विच इज़ इक्वल्स टू m1a. सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन t इज़ इक्वल्स टू m1g - m1a. सो दैट इज़ माई फर्स्ट इक्वेशन. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड ब्लॉक. सेकेंड ब्लॉक में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है विथ एन एसोलेशन बी. तो यहाँ पर नेट फोर्स जब हम लोग लगाएंगे, सो t1 - m2g विच इज इक्वल्स टू m2 into b, करेक्ट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1? द वैल्यू ऑफ t1 इज 2t. सो 2t - m2g विच इज इक्वल्स टू m2b, करेक्ट, है ना. तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन आ रहा है. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लगा देंगे न्यूटन्स की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. तो यहाँ पर जब आप देखोगे m3g - t2, यहाँ पर लिख देता हूँ m3g - t2 विच इज इक्वल्स टू m3c. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ t2? इट इज़ t/2. सो m3g - t/2 इज इक्वल्स टू m3. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? द वैल्यू ऑफ c इज 4b - 2a. सो 4b - 2a, करेक्ट. Multiplying 2 to the entire equation, so that 2m3g - t which is equals to 2m3 4b - 2a, okay. So that's the relation what I am getting. So यहाँ पर मैं t की value put कर लूँगा. t की value क्या है, m1g - m1a. So therefore 2m1g - m1a which minus m2g which is equals to m2b. Fantastic. सो यहाँ पर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 2m1g - 2m1a - m2g इज इक्वल्स टू m2b. सो देयरफॉर 2m1 - m2g मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पर क्या मिलेगा, m2b + 2m1a. सो m2b + 2m1a, मुझे ये इक्वेशन मिल रही है. यहाँ पर अभी मैं मासेस की वैल्यू पुट कर लूँगा. मास की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है, 2 है. सो 2 into 2 becomes 4, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. m2 का वैल्यू कितना है, 4 है फिर से, ठीक है. g का वैल्यू है 10, m2 का वैल्यू कितना है, m2 का वैल्यू 4 है, b + 2, m1 का वैल्यू कितना है, 2 है into a. सो 4 - 4 0 हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूरा 0 हो गया. लेफ्ट हैंड साइड 0 होने की वजह से हमें मालूम पड़ा दैट 4b + 4a इज इक्वल्स टू 0. So therefore 4b is equals to -4a, 4 get cancelled, so therefore b is equals to -a. So हमें ये equation मिल रही है. चलो very good. So b is equals to -a, ये तो आपको समझ में आ गया. तो यहाँ पर b की वैल्यू अगर मैं -a पुट करूँगा, b की वैल्यू अगर -a, तो -4a - 2a becomes -6a, and -6a को जब आप 12 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -12a. सो -12m3a, ये आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है, ठीक है. सो 2m3g
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? द वैल्यू ऑफ टी इज एम वन जी माइनस एम वन ए. सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एम वन जी माइनस एम वन ए. ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस नहीं है. आई होप इट्स ओके फॉर यू. ओके, सो माइनस माइनस बिकम प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया. इस प्लस को जब मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा, प्लस एम वन ए को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस एम वन ए, है ना. सो यहाँ पर मैं लिखूंगा माइनस ट्वेल्व एम थ्री ए. माइनस माइनस बिकम प्लस, इसको राइट हैंड साइड मैंने भेजा तो ये हो गया माइनस एम वन ए. एंड यहाँ पर जब देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में तो ये हो गया टू एम थ्री माइनस एम वन और जी बार. करेक्ट, वैल्यूज पुट करेंगे अभी हम लोग. देयरफॉर टू एम थ्री का वैल्यू कितना है? 2.75. सो 2 इंटू 2.75 करोगे अब तो आपको 3.5 मिलेगा समथिंग. सॉरी नॉट 3.5, 5.5. नॉट 3.5, 5.5, सॉरी. ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा? 5.5 मिल जाएगा. ओके, माइनस एम वन का वैल्यू कितना है? 2 है. जी का वैल्यू है 10. ओके, माइनस 12. एम थ्री का वैल्यू कितना है? दिस इज माइनस 12. एम थ्री का वैल्यू कितना है? 2.75. सो 2.75 इंटू ए. माइनस एम वन का वैल्यू कितना है? 2. सो 2a. सो 5.5 में से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.5. 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 35. ठीक है, ओके. 12 को 27.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ 33 मिलेगा. सो माइनस 33a माइनस 2a विच बिकम्स माइनस 35a. 35, तो a का वैल्यू आपको आ रहा है माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a. जैसे ही a का वैल्यू आ गया, आप a की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको b का वैल्यू भी आ जाएगा, दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. b का वैल्यू आ गया, इसमें पुट कर दो. सो 4 इंटू 1 माइनस 2, वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ a? इट इज़ माइनस 1. सो ये हो गया 4 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दैट इज़ योर आंसर. सो इस तरीके से हमने तीनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकाली, ए बी एंड सी. सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर. सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू.